नमस्ते दोस्तों, आ रही हूं जो मैं कृतिका कटोचकर ने तुम्हें दिखाए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। सीएम सुक्खू बोले, मेरा फोकस लोकसभा चुनाव का विधानसभा उपचुनाव दोनों पर है। मेरा लक्ष्य जनबल का हाथ थामना का धनबल की राजनीति जो हराना है। जनता की अदालत में जाने अनुरोध कर रहा है कि जिन्हें लोगों ने जनता की भावनाओं ने सौदा किया उन्हें सबक सिखाया जाए। पीएम मोदी ने मंडी के पड्डन मैदान च करना है जनसभा जो संबोधित। जयराम ठाकुर ने ले आज तैयारियों का जायजा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस से इंडी गठबंधन की तुलना चांद दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ने की। अनुराग ठाकुर बोले, एम्स वास्ते जमीन देने वास्ते प्रदेश सरकार ने 3 साल 4 महीने लगाई थे। कने जल्लू साड़ी सरकार बनी तो कोविड के प्रकोप के बावजूद भी हाँ एम्स का काम पूरा किया। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे से पहले इंडी गठबंधन ने एनडीए के खिलाफ खोले मोर्चा। देश आम चुनाव जो मुद्दे ने हटाई ने संप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने दे लगाए आरोप। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, अच्छा हुंदा मोदी जी आपदा चाइना हिमाचल का हाल जान देना, आपदा विच हिमाचल की मदद की न सेब पर आयात शुल्क 3 गुना बढ़ाया। शिमला विच पेयजल की संकट आई है, उन सप्ताह सिर्फ 5 दिन ही मिलनी है आपूर्ति। पेयजल परियोजनाओं च जल स्तर घटने के बाद कंपनी ने लिया है फैसला। लाहौल स्पीति के ग्रामफू च इन दिनों सैलानियों का मेला लग गया, सैलानी इतनी बर्फ कन्या खूब मौज मस्ती करा दे। बड़ी ज़्यादा गर्मी के हिमाचल के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदली है। पहाड़ों की राणी शिमला समेत प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश कन्या ओलावृष्टि हुई। प्रदेश बड़ा दी गर्मी कन जंगलों च अग की घटना के कारण चलते शिमला कन धर्मशाला की जलवायु उद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ कन काला अंब समेत कई प्रदूषित शहरों की अपेक्षा ज़्यादा खराब हुई है। पहाड़ी अंदाज 10 बड़ी खबरें दिखने वास्ते तुम दिखते रहे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।